Welcome to the IVM Podcast Network. पैसा वैसा विद अनुपम गुप्ता में आपका स्वागत है। ये वो शो है जहां आपको पैसों की दुनिया से जुड़े सवालों का हल मिलेगा। कहां पैसे बचाएं, कहां लगाएं, कहां कमाएं, बस सवाल पूछिए और जवाब पाइए। अनुपम, ये रहा आपके लिए सवाल। अनुपम जी, मेरा नाम सागर है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा शेयर टिप्स प्रोवाइडर मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा। ऐसा कोई सिंपल सा तरीका तो है नहीं, क्योंकि आपको जिसने टिप्स दिए हो उनके टिप्स शायद 100% राइट हो, 100% रॉन्ग हो। कुछ ऐसा कुछ कोई गारंटीड मेथड नहीं है टू फाइंड आउट अगर वो प्रोवाइडर आपके लिए सही है या गलत है। इट कुड जस्ट बी लक, ही कुड बी लकी, ही कुड बी अनलकी, यू वुडंट रियली नो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टर के हिसाब से या ट्रेडर के हिसाब से, आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करें। अपना खुद का होमवर्क, अपना खुद का मेथड, डिसिप्लिन को आप सीखें, समझें और फिर इन्वेस्ट करें। आपका मेथड या डिसिप्लिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पे एक शेयर टिप का, जो आपको शेयर टिप्स देता है, वो आप उसे बोल सकते कि ये मेरे लिए बेस्ट है। आप अपने आप के लिए सीखें और फिर अपना डिसीजन लें। पैसा वैसा सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी या सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @IVMPodcast, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं paisavaisa@indusvox.com पर। इस शो पर बताई गई चीजों को फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे मत लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अपने पैसों का निवेश करने से पहले कृपया किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Sorry to say, but there's been a slight delay due to the apocalypse having suddenly begun. As you can see, there's death, destruction, and chaos taking place all around us. But don't you worry, food and drinks will be served shortly, and I would recommend checking out IVM Podcasts to get some of your favorite Indian podcasts. We'll keep you going till this whole thing blows over. Thank you.